Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. माया नगरी कहे जाने वाले शहर मुंबई में आज एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। मुंबई में स्थित भाईंदर पश्चिम के मांडवी तालाब के पास प्रतीक्षा सोसाइटी में एक लड़के ने अपनी ही जन्मदाता मां की हत्या कर दी। यह घटना सुबह 8:30 बजे की है। मित्रा परिवार के शोभनाथ मित्रा 45 साल के मनुष्य ने अपनी मां 80 साल की रमा मित्रा की जमीन पर पटक पटक कर हत्या कर दी। गैर तलब की बात यह है कि उस मनुष्य को इस बात की जरा भी शर्म नहीं है। उसका कहना है कि उसकी माँ कई दिनों से गलत काम कर रही थी, जिससे तंग आकर उसने यह घटना को अंजाम दिया। घटना स्थल पर पहुंची हुई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि डेड बॉडी के पोस्टमार्टम के बाद ही वह कुछ कह पाएगी। और घटनास्थल पर पुलिस ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। मांडवी तालाब के सामने जो प्रतीक्षा अपार्टमेंट है, वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे रहने वाले सोमनाथ मित्रा और उसकी माँ जो 85 साल उम्र की है, रमा मित्रा, ये रहते थे। आज सुबह में वो माँ का और वो लड़के का झगड़ा हुआ। वो झगड़े में आरोपी सोमनाथ मित्रा ने माँ को पहले हाथ से मारा, बाद में सर पटक पटक के दीवार पे और जमीन पे मार के उनको इंजर्ड कर दिया और उसमें ज़्यादा खून बहने से उनकी माँ की मौत हो गई। उसमें सोमनाथ मित्रा के ऊपर भाईंदर पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया है, उसमें उसको अरेस्ट किया हुआ है। सर, ये किस प्रकार से मारा, क्या उम्र थी? उसके माँ की उम्र है 85 साल, 85 ईयर्स, और उसकी 45 और कारण अभी तक तो पूरा डिस्क्लोज नहीं हुआ है। यहाँ पे वो बोलता है कि मेरे को माँ टॉर्चर करती थी, ऐसा उसका कहना है। फिलहाल तो इन्वेस्टिगेशन चालू है। सर, ये अपने को मालूम कैसे पड़ा, क्या ये पब्लिक ने वहाँ से पुलिस स्टेशन में उनका चिल्लम चिल्ली जब भी चालू था तभी पुलिस को फोन करके बता दिया कि यहाँ पे मारपीट हो रही है माँ को। तो पुलिस यहाँ से जाने के बाद देखा तो वहाँ पे उसकी माँ खून में नीचे गिरी हुई थी और ये आरोपी अंदर खड़ा था। तो पब्लिक को भी जब भी दरवाजा बंद कर दिया पब्लिक ने, तभी वो खिड़की से चिल्ला रहा था, ऐसा पब्लिक का भी कहना है, और किसी ने ये कर दिया है। धन्यवाद।